अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ठंडियान। मेरे पीछे जो आप ये जगह देख रहे हैं, ये अफ्टाबाद से टूवर्ड नथा गली की तरफ अगर हम जब मूव करते हैं तो 25 मिनट 20 मिनट से भी कम ड्राइव है, और तकरीबन 15 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद ये लोकेशन आती है मलाछा, इस जगह को बोलते हैं मलाछा। की बेसिकली अट्रैक्शन यहाँ पे है कि आप मेरे पीछे एक छोटी सी आबशार देख रहे हैं, ये पानी ज़मीन से जो है वो आ रहा है, और सर्दियों गर्मियों में रहता है ये पानी। इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है पानी का, बिल्कुल नेचुरल मिनरल वाटर है। आप इसको अगर पिए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा पानी है, लेकिन ये फ्रिज से नहीं आ रहा, ना ही ऊपर जो है ग्लेशियर है, तो ज़मीन से निकल रहा पानी, इसी स्पीड से निकलता है। यहाँ पे लोग आते हैं, स्टे करते हैं, अपनी गाड़ियाँ जो है अगर कुछ हीटअप हो रही हों तो पाइप वगैरह लगे हुए आप देख सकते हैं, ये पाइप वगैरह आप रेडिएटर में लगा के अपनी गाड़ी ठंडी कर सकते हैं। फ्रेश वाटर जो है आप उसको अपनी बॉटल्स को रिफिल कर लें पीने के लिए, और फिर आगे अपना सफ़र जो है वो रवान रखें ठंडियानी की तरफ। तो रिकमेंडेड जगह है, यहाँ पे आप 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी आप रुकना चाहें रुक सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, पिक्चर्स वगैरह में जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टूरिस्ट आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं, और फिर इसके बाद अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स ठंडियानी। ठंडियानी का लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है बहुत ठंडी जगह, या वेरी कोल्ड हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में। इसका अगर हम मतलब देखें ठंडियानी का, तो सर्द जगह या ठंडी जगह इसको बोलते हैं। ठंडियानी की अगर हम की डिस्टेंस की बात करें तो इस्लामाबाद से ये तकरीबन 146 किलोमीटर जो है वो ट्रैवलिंग है वाया रोड, कार पे अगर आप आते हैं, और इसके लिए आपको एबटाबाद से ठंडियानी तक तकरीबन 2.5 घंटे के करीब जो है वक्त लग जाता है। अगर हम एबटाबाद से इसको देखें ठंडियानी के डिस्टेंस को, तो ये तकरीबन 40-50 किलोमीटर है। इसके दौरान मतलब आप आ सकते हैं 1.25 घंटे में, 1 घंटे में, 1.25 घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं नॉर्मल स्पीड पे। अच्छा जी, इस वक्त हम ऊपर टॉप पे पहुँच आए हैं, और यहाँ पे इस लोकेशन पे फिर फर्दर आगे 2-3 स्पॉट्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके जो है वो इन मुख्तलिफ जगहों पे जाया जा सके। बिल्कुल टॉप पे आके आपको ये छोटा सा एक बाज़ार नज़र आ रहा है। इस बाज़ार में जो है बेसिक जो नीड है लोगों की, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। रिहाइश के लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे अच्छे से कंफर्टेबल किस्म के रूम बने हुए हैं। ज़्यादा अच्छा लग्जरी किस्म का सेटअप नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब आप आउटिंग के लिए आए हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों के साथ एडजस्ट करना होता है। ये पार्किंग है, यहाँ पर हम पार्क कर दी हमने गाड़ी अपनी, और 2-3 लोकेशंस हैं। मतलब एयरफोर्स का एक छोटा सा सेटअप है यहाँ पे, रिडार सेटअप है शायद, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। इसके अलावा पीटीवी आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, पाकिस्तान टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर, यहाँ पे एक बूस्टर लगा हुआ है उनका, और यहाँ से ये अपनी इस इलाके की नशरियात जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं। और इसके अलावा शरान की जो मेरी वीडियो थी आपने देखी होगी यकीनन, ना मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसको भी देखें। उस तरह के कैंपिंग पॉड्स भी हैं जो कि पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन KPK के ज़ेर तमाम जो है वो काम कर रहे हैं, हम उनका भी विज़िट करेंगे। हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 2750 मीटर्स अबव सी लेवल इसकी हाइट है। इंटेंस फॉरेस्ट, लश ग्रीन इन्वायरमेंट, दो तरह के यहाँ पे आइडियल मौसम मिलते हैं आपको वेदर। एक जो है समर में इस वक्त हम आए हुए हैं, ये जुलाई का मंथ है स्टार्ट का, और दूसरा जो है वो विंटर में ये बिल्कुल स्नोफॉल होती है यहाँ पर। लोकल कम्युनिटी की थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। लोकल कम्युनिटी में यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्स
रहते हैं, जिनमें सरदार हैं, करलाल हैं, अब्बासी हैं, कुरैशी हैं, सैयद हैं। और अगर हम थोड़ी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो ब्रिटिश राज था उसमें यहाँ पे ये आबादी आबाद हुई थी। तो ब्रिटिश इंडियन जो यहाँ पे आर्मी आई थी, उन्होंने एक क्रिश्चियन फैमिली को ये जगह जो है लीज़ पे दी थी। और वो फैमिली जो थी उसके मेंबर्स यहाँ पे, कहा यह जाता है, मतलब सोर्सेज मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो मेंबर्स इसके सिविल सर्विसेज भी देते थे और मिलिट्री सर्विसेज भी देते थे। तो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी ने उनको उनके हवाले ये लीज़ पे दे दी थी जगह। उन्होंने यहाँ पे, वो क्रिश्चियन फैमिली थी, और उन्होंने फिर यहाँ पे अपना एक चर्च बनाया। मैं चर्च आपको दिखा सकूँ तो ये चर्च है। इस वक्त मेरी बैग पे जो आप अगर मैं लोकेशन देख रहे हैं, ये कैंपिंग पॉड्स हैं और ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं टूरिज़्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा वाले। और यहाँ पे टोटल 11 कैंपिंग पॉड्स हैं। 3 कैंपिंग पॉड्स ऐसे हैं जिसमें 4 लोगों की रहाइश का बंदोबस्त है, और 8 कैंपिंग पॉड्स ऐसे हैं जिनमें 2 लोगों की रहाइश का बंदोबस्त है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने कैंप्स भी आके, टेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन सारी की सारी फैसिलिटीज़ लेने के लिए आपको खैबर पख्तूनख्वा कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाके, टूरिज़म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जाके आपको बुकिंग करवानी होती है। और फिर यहाँ पे एक लोकल मैनेजर हैं, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पे। तो नेसेसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, वो सारी आपको मिलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, लेकिन सोलर पैनल जो हैं उनकी वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है मिल रही होती है। पानी का सिस्टम भी यहाँ पे ठीक है, मतलब बने हुए हैं यहाँ पे, वाटर टैंक्स बने हुए हैं, वहाँ से आपको पानी मिल जाता है। और ये एक आइडियल सी लोकेशन है यहाँ पे, आप मेरे बैग पे देख सकते हैं, ये इसकी पार्किंग है। और वो भाईजान इमरान भाई जो हैं, वो वॉल्स की आइसक्रीम जो हैं वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो ठंडियानी जैसे हमने बात की थी, वहाँ पे आपको फूड वगैरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे आप चीज़ें ख़रीद के यहाँ पे अपनी कुकिंग खुद भी कर सकते हैं, और वहाँ से बना बनाया भी लेकर आ सकते हो। तकरीबन 1.5 किलोमीटर ट्रैक है, आप मेरे बैग में देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है। संभल के आप आ सकते हैं, वरना आप बेस कैंप जो ठंडियानी बेस है वहाँ पे गाड़ी पार करें और उसके बाद यहाँ तक वॉक करके आ सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी फोर व्हील ड्राइव्स हैं तो आप उनको ये भी ले कर आ सकते हैं। हमारे बैग में देखते हैं, दोनों, एक होंडा की कार है और एक जो है सुजुकी की कार है। ये दोनों यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं। इस वक्त सारी की सारी फैमिलीज़, मतलब ये जो जितने भी कैंपिंग पॉइंट्स हैं, ऑक्यूपाइड हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बड़ी आइडियल सा वेदर है, सारे ऑक्यूपाइड हैं। आई एम अफ्रेड कि मैं आपको इनसाइड द पॉड जो है वो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसकी सारी की सारी जो फर्निशिंग का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा वैसा ही है जैसा शरान में, और शरान का मैं रेफरेंस बार बार दे चुका हूँ, आप उसको इस लिंक में जाके क्लिक करके देख सकते हैं और शरान कैंपिंग पॉड्स को भी देख सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी अट्रैक्शन है, झूले लगे हुए हैं और लश ग्रीन और इंटेंस किस्म की फॉरेस्ट यहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। मैं साइड पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो दूसरे तरह के पॉड्स होते हैं, कैंपिंग पॉड्स नहीं, टेंट्स हैं, आप इनकी फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। ये कंपैरेटिवली सस्ते हैं, ये वाले पॉड्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं, और अगर आप अपना कैंप खुद लगाते हैं तो वो भी सस्ते हैं। जो 4 बेड वाले पॉड हैं उनकी कीमत जो है वो 5,000 रुपये पर नाइट है, और जो डबल बेड के कैंपिंग पॉड्स हैं उनकी कीमत 3,000 पर नाइट है। इसमें यहाँ पे बर्गेन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी बुकिंग जो है वो टूरिज़्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट से होगा, वहीं पे आपने सारी बुकिंग अपनी करनी है। और यहाँ पे एक लोकल फैसिलिटेटर हैं यहाँ पे, वो आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो भी आपको चाहिए।
हंडियानी से वापसी पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़बरदस्त किस्म का व्यू मुझे मिलेगा। सुना था इसके बारे में, लेकिन यहाँ लोकल होने के बावजूद मैंने ये व्यू कभी नहीं देखा। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, गाड़ी रोकी मैंने। ये इस वक्त मैं बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर हूँ, बादलों में हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और मैं उनको महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ मैं इनको। ये मतलब एक्सप्लेनेबल नहीं है, इस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और इतना अच्छा लग रहा है, और ये मैं बिल्कुल जैसे पैराडाइज है यकीनन। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस मंज़र को बयान करने के लिए। अब देखें मेरे पीछे पहाड़ और जंगलात, और फिर ये सारा का सारा बादलों का व्यू है। तो गाड़ी रुकी यहाँ पे, और उसके बाद ये व्यू देखने के लिए यहाँ पे रुकना पड़ा। अमेजिंग, बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये।